दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस OTT सीजन 2 के दो कंटेस्टेंट एलवी यादव और मनीषा रानी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। यहां पर आपको बता दें कि अब एलवी यादव जब से मनीषा रानी से बात नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद मनीषा रानी भी बेहद दुखी हो गई है। इतना नहीं, आपको बता दें कि मनीषा रानी ने तो कई बार जाकर अपने दोस्त फुकरा इंसान को ये भी बताया कि बेबिका के साथ वो घंटों बात कर रहा है, लेकिन उससे इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे पास आए और मुझसे बात करे। आपको बता दें कि इस बात को सुनकर फुकरा इंसान ने भी आगे से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आपको बता दें कि यहां पर मनीषा रानी ने अपने ही दोस्त एलवी यादव को मनाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बारे में सुनकर शायद आप सब भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आखिर मनीषा रानी ने अब क्या कर दिया है एलवी यादव के लिए? आखिर एलवी यादव को मनाने के लिए, आखिर एलवी यादव को खुश करने के लिए ऐसा कौन सा काम कर दिया है? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस OTT सीजन 2 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर में सबसे पहले जब बिग बॉस का पहला ही एपिसोड हुआ था, तो तब से घर के दो सदस्य मनीषा रानी और फुकरा इंसान काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी थी और घर में सभी कंटेस्टेंट इनकी दोस्ती की तारीफ भी करते थे। इतना नहीं, आपको बता दें कि जब भी घर में सलमान खान वीकेंड का वार वाले एपिसोड में आते थे, वो भी इनकी तारीफ करते थे, और साथ साथ घर में जो गेस्ट आते थे वो भी इन दोनों की दोस्ती की तारीफ करते थे। लेकिन जब से एलवी यादव घर में आए हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए जब से एलवी यादव के घर में एंट्री हुई है, तब से अब ये दो दोस्तों के साथ साथ अब तीसरे दोस्त भी शामिल हो चुका है और अब घर में ये तीनों दोस्त बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर आपको बता दें कि एलवी यादव और मनीषा रानी की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से एलवी यादव मनीषा रानी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं और ना ही उन्हें थोड़ा सा भाव दे रहे हैं और ना ही उनके पास जा रहे हैं, जिसको लेकर मनीषा रानी बेहद परेशान हो गई है, बेहद दुखी हो गई है। इतना नहीं, आपको बता दें कि बेबिका और एलवी यादव जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तो उन्हें देखकर मनीषा रानी पूरी पूरी जल रही थी। इसीलिए अब मनीषा रानी ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है एलवी यादव को खुश करने का। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि मनीषा रानी ने एलवी यादव का फेवरेट सूट पहना हुआ है अब, और उसने एलवी यादव को खुश करने के लिए ये सूट पहना हुआ है। इतना नहीं, आपको बता दें कि इस सूट के बारे में यहाँ पर फुकरा इंसान से भी मनीषा रानी ने बात की है। तो दोस्तों, अगर आप सब भी बिग बॉस OTT सीजन 2 के तीन कंटेस्टेंट फुकरा इंसान, एलवी यादव और मनीषा रानी के दोस्ती के एक बहुत बड़े फैन हैं, तो आपको क्या लगता है कि मनीषा रानी से जो एलवी यादव नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब मनीषा रानी ने एलवी यादव को खुश करने के लिए जो सूट पहना हुआ है, क्या उस सूट को देखकर यहां पर मनीषा रानी के साथ एलवी यादव बात करेंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और OTT सीजन 2 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।